वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबली ब्लॉग्स। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं जा रही हूँ कॉलेज, फाइनल काम है क्योंकि आज मुझे अपना थीसिस प्रिंट करवाना है। तो इसलिए मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि सर ने आज का डेट दिया था, आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा फिर तू प्रिंट करवा देना। तो चलिए चलते कॉलेज। भैया यूनिवर्सिटी चलो, किधर सो फाइनली गाइस मुझे ऑटो मिल गया था एंड मैं आ गई हूँ, यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे सब कुछ है, इसलिए ग्रीनरी ग्रीनरी है। एंड आज यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी क्योंकि स्टूडेंट अभी नहीं है। बैठे बैठे बस ऐसे ही मुझे कुछ खुराफाती सूझ रहा था तो मैं सोची चलो फोटोशूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं। एंड मेरा बाल जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चौंपू लग रहा था तो मैंने ऐसे ही ड्रेस पहना था, साड़ी वाड़ी पहना, मेकअप बनाया, मेकअप मतलब मेकअप किया। एंड फिर अगेन मेकअप वीडियो शूट करने के बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया क्योंकि नेक्स्ट डे दीदी का बर्थडे था तो बर्थडे में फोटोज़ नहीं अच्छी आती। फिर ऐसे ही स्किन केयर जो भी मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे नायका से, मॉइस्चराइज़र लगाया, मतलब मेरे हेयर फॉल आई डोंट नो बहुत ज़्यादा होने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा हेयर फॉल जो है मेरा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गंजी हो जाऊँगी, मतलब लिमिट से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि तुम इंदुलेखा लगाओ, इंदुलेखा ऑयल, तो मैं इंदुलेखा ऑयल भी लगा रही हूँ। एंड अभी थोड़ा मैं हेयर को ब्लो ड्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मतलब एक मंथ से मेरा जुकाम नहीं छूट रहा है। तो मुझे पता है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर डैमेज होता है बट कभी कभी तो चलता है एज़ यूज़ुअल। सो गाइस आज है जो मेरे ऊपर दीदी रहती है मेरे रूम के जस्ट ऊपर, उनका बर्थडे, तो हम लोग उनका सब मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनको पता है और उन्हीं के साथ हम लोग जो है डेकोरेशन का सामान लेने जा रहे हैं। डेकोर होगा, सबको पार्टी होगी, पार्टी। गाइस जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है वहाँ पे, मतलब उस नेक्स्ट गली में, तो वहाँ पे एक बेकरी शॉप था तो हम लोग वहाँ गए थे डेकोरेशन का सामान लेने, लेकिन वहाँ पे कुछ डेकोरेशन का सामान नहीं मिला तो हम लोग सुपर बेकर्स चले गए थे। मतलब जो लोग मेरठ में रहते हैं उन्हें तो पता है कि सुपर बेकर्स कितना फेमस है, तो सुपर बेकर्स में सारा सामान मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, ये जो साउंड था ना इसमें लाइट भी था तो मैं बैठी बैलून फुलाने के लिए थोड़ा सा, सब मिल के सब कुछ कर रहे थे। ये बैलून जो है मेरे से फूट गई और मुझे जब बैलून फूटती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, थोड़ा सा बस ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए। तो यहाँ पे मैं बैलून मतलब कि फुला के लगा रही थी, भैया जो है फिर लगा रहे थे कि दीदी के हस्बैंड हैं और जितने और भी लोग थे जो हमारे वहाँ भी सब लोग तो भैया भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की लोग मुझसे क्या क्या करवाएंगी। तो फाइनली जो है वो डेकोरेशन हो गया है कम्प्लीट, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा था डेकोरेशन होने के बाद। एंड सब ने मिलके काफ़ी स्ट्रगल किया डेकोरेशन करने के लिए, खास करके बैलून फुलाने के लिए और कुछ भी नहीं। तो डेकोरेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, मैंने ये डेनिम जैकेट पहना है, ईयरिंग पहनी है जो मैंने सरोजनी नगर से लिया था, एंड ये प्लाजो का सेट था ब्लैक कलर का जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। यहाँ पर बैठ गई है दीदी बर्थडे गर्ल, एंड यहाँ पे सारे लोग जो है अप्रॉक्सीमेटली आ भी गए हैं। ये दीदी केक कट कर रही थी, यहाँ पे क्या हमने सोचा था कि दोनों कैंडल जो है ना एक ही बार में बंद हो, लेकिन एक कैंडल जलते रह गई थी और दूसरा कैंडल जो था वो बंद हो गया था। यहाँ पे देखो मेरी रूम ऑन आराम थी, खिलखिलाते हुए बोली मेरी क्यों निकाल दी ये फोटो, इसका बर्थडे है उसका निकाल। बहुत मज़ा आया, सबने मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, केक कटिंग हुआ और फिर जो केक खिलाना विलाना होता है वो हुआ। यहाँ पे भैया दीदी को केक खिला रहे हैं और फोटो क्लिक हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है इन लोगों के साथ, अपनापन फील होता है दीदी के साथ बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे वो गिफ्ट देने का सेरेमनी स्टार्ट हुआ, जितने भी रिलेटेड थे सब आ गए थे दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लेके। और यहाँ पे आंटी, एंड सबसे अच्छा इनका ये था कि इन्होंने दीदी को रोज़ फूल दिया, उनको बालूम लगा दिया और वापस से ले भी लिया और अपने बेटे को बोला कि तुम भी जाओ दीदी को फूल दो, मतलब काफ़ी फनी सीन था और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया हम सब ने। हम फिर भैया ने केक खाया, हम सब ने केक खाया, बहुत मज़ा आया हम लोग को। लेकिन मतलब एक स्मॉल गैदरिंग हो जाता है ना ये, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ उसके बाद ये मेरा पहला था कि एक गैदरिंग टाइप से था, सबसे मिलना जुलना हो गया, जितने भी रिलेटेड लोग थे यहाँ पे सबसे हो गया, दीदी के जितने भी रिलेटिव्स थे, बच्चे बच्चे उनके जेठानी के बच्चे वगैरह वो सब भी आए थे, ये उन्हीं के बच्चे हैं शायद। तो बहुत मज़ा आया, सबने मिलकर इंजॉय किया। और मेरे साथ क्या हुआ कि जब मुझे केक खिलाने की बारी आई तो मैं नहीं जा रही थी, एंड पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो लाफिंग गैस होता है ना वो सूंघ लेती, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं कभी कभी जैसे क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं ना तो मैं कैमरा सा है, मुझे लगता है जैसे
कि मैं हो जाती हूँ, जबकि मैं कैमरा साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे कैमरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे केक डिस्ट्रीब्यूशन अब हो रहा है, सब बैठ के केक खा रहे हैं, भैया दीदी लोग सब मिलके केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे मैं केक खाते हुए। मुझे ना एक्चुअली ये बटरस्कॉच नहीं पसंद है, दीदी को बहुत ज़्यादा, दीदी का फेवरेट केक है, तो मैंने इसे ब्रेड खा लिया था। उसके बाद आई डिनर की बारी, सबने डिनर किया, बहुत यम्मी से छोले बने थे एंड दीदी भैया ने डांस किया, बहुत अच्छा दीदी डांस करती है, मज़ा आ गया। एक्चुअली मैंने सॉन्ग को जो है वो अनम्यूट कर दिया था क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, तो थोड़ा सा मैंने भी ऐसे लगा लिया खाने के बाद। उसके बाद भैया का डांस, सिंगल डांस हो रहा था, सब जितने भी लोग थे सब कर रहे थे। एंड ये गाना गेस करना, आप स्टेप थोड़ा सा देख के एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये कौन सा सॉन्ग है। सबसे लास्ट में जब सब कुछ हो गया तो मैंने बोला कि दीदी गिफ्ट ओपन करो, देखते हैं कि क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। दीदी गिफ्ट ओपन करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, मतलब ये गिफ्ट जो था उनके जेठानी की तरफ से शायद आया था। एंड यहाँ पे एक स्टैचू था, काफ़ी प्यारा स्टैचू था, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्टैचू, एंड दीदी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब ये एक 100 पीस के तौर पे यूज़ हो सकता था। और ये गिफ्ट मेरी रूमर आंटी ने दिया था, एंड इसमें एक बहुत ही अच्छी वॉच थी, क्लॉक वॉल थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे कि ये एक थोड़ा सा कॉफ़ी कलर में था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने अपनी रूमर आंटी से बाद में पूछा भी था जब मैं नीचे आ गई थी कि आपने कहाँ से लाया था वॉच, मुझे बताना कि मैं भी अपने घर के लिए लूँगी, बट मुझे थोड़ा बड़ा वाला वॉच लेना है क्योंकि मुझे जो बड़ा वाला वॉच साइज होता है वो बहुत पसंद है। सो फाइनली गाइस बर्थडे पार्टी खत्म हो गई, मैं रूम पे आ गई, चेंज कर लिया मैंने अपने 40 सोने के लिए क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड अभी भी सब सफाई ऊपर चल रही होगी क्योंकि फिर मैं नीचे आ गई, मुझे इतना कुछ पता नहीं अभी। तो मिलती मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। हाँ, मैंने मिनी व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करना। बाय बाय।